तो यार उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। ठीक हो ना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग चाहते हो कि इनाजुमा 11 की सीरीज या उसकी जो नई सीरीज आ रही हैं उनके रिलेटेड कोई भी न्यूज या थ्योरी या कोई लीक इमेज के बारे में आप लोग जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि लीक इमेजेस या थ्योरी या उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो लीक हुई होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आपका वक्त जाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वजह है जो हमारे देश में इनाजुमा जापान या ड्रैगन बॉल सुपर या बहुत सारे जो अनाइम्स हैं वो आते नहीं हैं। अगर आते भी हैं तो थोड़े वक्फे के लिए आते हैं और उसके बाद वो आना बंद हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने इनाजुमा 11 का जो फर्स्ट सीजन है सिर्फ और सिर्फ वही जो है हमने कार्टून नेटवर्क पर देखा था, और उसके बाद कोई भी अनाइम कार्टून नेटवर्क पर आना बंद हो गया था। और ये भी बहुत ही पुरानी बात है कि ये अनाइम उधर लगते थे और उसके बाद ये आना बंद हो गए। आप में से यार बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये इसलिए आना बंद हो गए हैं क्योंकि ये खत्म हो गए हैं, यानी कि ये जो कार्टून थे या तुम ये कहो अनाइम थे, असल नाम इनको अनाइम ही कहेंगे। क्यों? तुम्हें अगर ये नहीं पता कि अनाइम और कार्टून्स में क्या फर्क है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इनका डिफरेंस बता दूंगा। लेकिन अब हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो अनाइम है ये क्यों नहीं आते कार्टून नेटवर्क पर। इसका हरगिज ये रीजन नहीं है कि ये अनाइम आना इसलिए बंद हो गए क्योंकि ये खत्म हो गए थे। अगर तुम लोग देखो कार्टून नेटवर्क पर अभी भी बहुत सारे कार्टून लगते हैं जो अभी तक आ रहे हैं, बेशक से वो बहुत देर के खत्म हो गए हैं लेकिन वो अभी भी कार्टून नेटवर्क पर हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो हमारे पसंदीदा अनाइम थे वो बिल्कुल भी कार्टून नेटवर्क पर नहीं आ रहे। जो मैं तुम्हें सच बात बताऊं, मैंने जो इनाजुमा 11 या कोई भी अनाइम देखना शुरू किया था वो सिर्फ और सिर्फ कार्टून नेटवर्क पर ही देखा था, क्योंकि कार्टून नेटवर्क ही एक ऐसा सोर्स था उस वक्त के वो हम तक सारे अनाइम्स को पहुंचाता था। लेकिन जब जब हम बड़े होते गए तो हमें ये कुछ देखने को नहीं मिला, और ये जो सारा कुछ है ये जो हमने सारी आगे जो इसके सीजन थे या आगे जो भी इसके एपिसोड आई थी वो सिर्फ और सिर्फ हमने नेट की बदौलत देखे हैं। यार कार्टून नेटवर्क जो है वो इस वजह से इनको नहीं दिखाता क्योंकि जो इनका कॉपीराइट होता है या तुम ये कहो जो इनकी हमें चीज मिलती है वो बहुत ही महंगी मिलती है। और अब जो तुम लोग गौर करो, जो आज का जमाना है या तुम ये कहो कि जो आज के बच्चे हैं वो ऐसे अनाइम देख के पता नहीं क्यों नहीं खुश हो सकते। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ कार्टून देखने हैं, ना कि उन्हें अनाइम देखने हैं। या कुछ यूं हो सकता है कि जो अनाइम है वो उन तक पहुंचाई नहीं जा रही, यानी कि पहले जब हम थे तो कार्टून नेटवर्क हम तक ये अनाइम पहुंचाता था जिसकी वजह से हम इसको देखते हैं। और मैं खुश हूँ और मुझे खुशी होती है यार इससे कि मैं उस जमाने में पैदा हुआ था जब इनाजुमा 11 कार्टून नेटवर्क पर लगता था, क्योंकि अगर मैं आज के जमाने में पैदा होता तो मैं हरगिज इसको नहीं देख पाता, क्योंकि जो अब कार्टून नेटवर्क है वो ऐसी चीज हमें प्रोवाइड ही नहीं करता। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो उनको मिलता है बहुत ही महंगा मिलता है इसका कॉपी, जिसकी वजह से वो इसको लॉन्च नहीं करते। और दूसरी जो वजह है कि लोग जो है वो क्यों नहीं अनाइम को देखना पसंद करते या अनाइम क्यों नहीं देख पाते, यार उसकी वजह ये है कि जो हमें एक प्लेटफॉर्म होता है वो ही हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। जैसे कि हमारे जब जमाना था या तुम ये कहो 2000 से अबव जो थे साल ईयर्स जो भी थे उधर, तो हमें कार्टून नेटवर्क था वो हमें बेन 10, इनाजुमा 11, ड्रैगन बॉल सब कुछ ऐसे बहुत सारे अनाइम से जो हमें प्रोवाइड करता था। यानी कि कहने का ये मतलब है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता था जिसकी वजह से हम लोग देख पाते थे। लेकिन अब जो है प्लेटफॉर्म तो वही है लेकिन हमें वो चीज प्रोवाइड नहीं हो रही, या आज के बच्चों को वो चीज प्रोवाइड नहीं हो रही जिसकी वजह से वो उसे देखकर खुश हो सके। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, अगर आज के बच्चे को ड्रैगन बॉल या बेन 10 तो अभी भी लगता है लेकिन कुछ और ही उसके एनिमेशन कर दिया है, उसको बिल्कुल ही कार्टून बना दिया है, या तुम ये कहो इनाजुमा या बहुत सारे ऐसे अनाइम्स है, अगर उनको आज दिखाए जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ इनकी तरफ आ जाएंगे और ये जो मोटू पतलू है छोटा भीम है इनका बिजनेस ठुस हो जाएगा। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि मैं इनके खिलाफ हूँ मोटू पतलू या छोटा भीम के, ये चलते रहे, लेकिन यार जो मेन चीज है वो भी प्रोवाइड करें हमें। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि तुम चाहते हो कि अनाइम लगने चाहिए कार्टून नेटवर्क पे या नहीं लगने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अगर नहीं भी लगी तो फिर भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि पता लगे आप लोग अनाइम के फैन हो। तो फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।